بسم الله الرحمن الرحيم आवाज का पर्दा है। अब देखिए किस हद तक नमाज में उस वक्त औरतें भी शरीक होती थी, अगर जो हुजूर ने फरमाया मर्दों की सफ बेहतरीन सबसे आगे वाली है और सबसे बुरी सफ सबसे पीछे है, क्योंकि उसके पीछे फिर औरतों की सफ होती थी, और औरतों के लिए सबसे अच्छी सफ सबसे पिछली वाली है और सबसे बुरी सबसे आगे वाली है। सबसे आगे वालों के सामने फिर मर्द होते थे, उनकी पुश्त होती थी। तो इसी तरीके से अगर गलती की है तो मर्द जो है कहेगा सुभान अल्लाह, इमाम से गलती हो गई है, मर्द क्या कहेगा सुभान अल्लाह। औरत क्या करेगी, अपने एक हाथ के पुश्त पर अपना हाथ मारेगी, अपनी आवाज नहीं निकालनी, आवाज का पर्दा। छूने का पर्दा यहां तक है कि हुजूर ने कभी किसी औरत से हाथ नहीं मिलाया, और आप जब बैठ भी लेते थे तो बस जबानी अल्फाज कहलवाए और कहा ठीक है बैठ हो गई, या एक कपड़ा पकड़ा उसका एक सिरा अपने हाथ में दूसरा सिरा उस खातून के हाथ में, या एक तश्त के अंदर पानी भरा उसमें एक तरफ उसने उंगलियां डाल ली और एक तरफ हुजूर की उंगली। लेकिन मुसाफर ला उसाफर उन्निसा, एक दफा हुआ भी कि बाज खवातीन ने जब बैत की है तो फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया मुसाफे के लिए, हुजूर ने फरमाया इन्नी ला मुसाफर उन्निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। इस्लाम में पर्दे कितने हुए, पहला पर्दा चार दीवारी, घरों में रहो ये पहला पर्दा है। जैसे डिफेंस लाइंस होती है ना फौज की, ये फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड है, थर्ड, पहली को अबूर करके कोई आ जाए तो सेकंड है, सेकंड से गुजरे तो पहला पर्दा चार दीवारी, उसमें महरम आएगा। अब देखिए इसी पर हमारी तहजीब उस्तवार हुई, इसी पर हमारा आर्किटेक्चर बना, घर ऐसे बने कि मर्दाना अलहदा जनाना अलहदा, छोटा आदमी है तब भी बैठक अलहदा, बैठक बाहर से खुलेगी और फिर डेवड़ी से होकर फिर घर के अंदर जाएंगे, मर्द आएंगे तो यहां बैठेंगे अंदर नहीं जाएंगे, अंदर तो सिर्फ वही जाएंगे जो महरम है, अबदी महरम है।